इसके पास फोटोग्राफ थी मेरी और सारे डॉक्यूमेंट थे। ये दुकानों पे जा जाके दिखाता था, जो लोग रास्ते में जाते उनको दिखाता था, आपने इनको देखा है, सारी फोटो। शादी के टाइम तो मैंने उस अपनी वाइफ को सिर्फ यही बताया था कि मेरी जापान में शादी हुई है, बच्चे का नहीं बताया था, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चल ही जाना था, मैंने फिर बता ही दिया। वो थोड़ा टेंशन में रहता था, वो पूछते थे क्यों, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक बेटा है जो उधर रह गया है। बड़ा खुश है, मेरा दिल नहीं करता कि हुणे वापस जावे। मैं हमेशा गुरुद्वारे जाती थी एंड आई प्रे दैट कि मुझे मेरा भाई चाहिए, प्लीज जापान से वो आए पापा जी। एंड आज वो 18 अगस्त को वो विश मेरी पूरी हो गई थी। बैंकॉक एयरपोर्ट पे इसकी मम्मा के साथ मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम 2002 के बीच में। मेरा वीजा लग गया था जापान का, फिर मैं जापान गया, फिर उधर हम इकट्ठे रहे, फिर 2003 में हमारी शादी, 2002 में हमारी शादी हो गई थी और 2003 में इसका बर्थ हुआ था। इंटरनेशनल मैरिज थी, उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था, हमारा कल्चर थोड़ा और है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। इकट्ठे रहने के बावजूद लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, डेली कह सकते हैं, रोज कुछ ना कुछ, ये नहीं है वो नहीं है, तो वो डिस्टर्ब हो गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा, उसके मम्मा पापा भी, मैं भी बहुत डिस्टर्ब था। तो फिर मैं एक दफ़ा झगड़ा ज़्यादा हो गया था, फिर मैं वहाँ से रूठ के वापस आ गया इंडिया कि मैं नहीं जाऊँगा अभी। तो फिर 2004 में फिर ये उस टाइम साल का था मेरे ख्याल से, एक साल समथिंग, तो फिर मेरे को वापस लेने आई यहाँ से। लेकिन उसी टाइम फिर उसने मम्मा ने बोला कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तुम जापान आके रह सकते हो लेकिन हम इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर 2004 में वापस गया, फिर डिवोर्स हो गया हमारा। दिल में तो था ये पहले से ही था कि बच्चा है, भूल तो सकते नहीं है, सभी टाइम मेरे दिल में ही था। तो अभी इसको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिला था, अभी तो जवान हो गया, बड़ा हो गया, इसको कॉलेज में प्रोजेक्ट मिला था फैमिली ट्री बनाने के लिए, उन्होंने बोला था। इसने फैमिली ट्री बनाया, एक साइड में इसने अपनी मम्मा का नाम लिखा और उसकी फैमिली का लिखा, और मेरे साइड से इसको मेरा ही नाम पता था बस, तो ये सुखपाल सिंह के अलावा कुछ नहीं जानता था। तो कहता मेरे दिल में ये उठा कि मैं अपने पिता को मिलके उसकी फैमिली के बारे में पता करता हूँ कि क्या है कैसे है। तो फिर इसने वहां से जर्नी स्टार्ट की मेरे को ढूंढने के लिए, फिर बता ही दिया। वो थोड़ा टेंशन में रहता था, वो पूछते थे क्यों, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक बेटा है जो उधर रह गया है, मैं उसे मिला नहीं हूं काफी देर से। फिर मेरी वाइफ ने मेरा साथ बहुत दिया, तो वो रोज गुरुद्वारे में जाके माथा टेकती कि आपका किसी ना किसी दिन जरूर मेल होगा। तो वो फाइनली वो मोमेंट 19 को रक्षाबंधन वाले दिन वो पूरी हुई हमारे।